वेल के पास चलते हैं, वेल मस्त है ना भाई। आई थिंक वी थ्री आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द वेल। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और आज हम जा रहे हैं मछलियाँ देखने। बड़ा सा रैंडम सा लग रहा है ना, बट हम ना एक्वेरियम जा रहे हैं। मैंने लंदन में देखा हुआ है, बट तब ना मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो आज मैं आपको बहुत सारी मछलियाँ दिखाने वाली हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सी क्रिएचर्स दिखाने वाली हूँ। गाड़ी में सामान रख दिया है, लेट्स रोल। So we have reached and it is cold, like really cold. आज हम चंटू मंटू एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं। मैंने अच्छे कपड़े पहने, अलवेली ऋतु अब फीकी पड़ गई मुझे। मैंने अच्छे कपड़े पहने तो किसी को लगा मेरे सामने कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज। मैंने बस यही कहना था आज की ड्रेस पहन के, ड्राइवर गाड़ी ऑन करो और मेरी रिपोर्ट चालू होगी प्लीज। अपने ड्राइवरों को भी आलीशान बना के रखते हैं, मतलब कुछ लोग इतने कॉपी कैट होने की एग्जैक्टली मेरी कॉपी कर ली। बट उन लोगों को अगर आप मिले तो बताना, क्योंकि हम जैसे हमें तो मिल गए अपने जैसे। जेलीफिश, दिस इज जेलीफिश, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल। सो इसका नाम है क्रिस्टल जेलीफिश एंड लुक एट इट। इट इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, लुक एट इट। ये भी काफी सही है, इसका नाम है मून जेलीज। ये जो दिख रहा है ना, दीज आर स्टार फिश, तो ये हिलती नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे ही है। एंड ऑल्सो दिस इज अगेन वन स्टार फिश, पीछे ऐसे स्टिक अराउंड हो रखी है। आई एम नॉट श्योर, बड़ी आलसी टाइप है, हिल ही नहीं रही है, मतलब इतनी देर हो गई मैं खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं हिल रही है। और अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ अलग सा क्रिएचर है, तो इनका नाम है फ्रेश वाटर फिश। और इनके साथ ना अलग चीज क्या है कि इनकी नाक बहुत बड़ी है, तो ये अपनी नाक से ना बाकी चीजें देखते हैं कि खतरा है या नहीं, या फिर खाना कहाँ है। तो जो इनके सारे सेंसेस है वो उसके नाक में लगे हुए हैं। एंड लाइक ये बहुत बड़ा सा एक्वेरियम है, तो काफी कूल लग रहा है। मेरे पीछे अभी है ना ये मस्त सा, बाय द वे दिस इज आल्सो वन मोर एक्वेरियम, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। इसके अंदर ना मूविंग कोरल्स भी है, तो आपको अगर ये दिख रहा है, सो दीज आर लाइक मूविंग कोरल्स और कलरफुल मस्त सी बहुत सारी फिशेज है। एंड इट लुक्स मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। ये तो टच करने के लिए बोला, अगर खाने के लिए बोलते तो ये बोलती
और ये ऐसे फ्लोट करते हैं, ऐसा लगता है मछली है, चिड़िया है। एंड इट लुक्स नाइस, मतलब इनके पीछे एक लंबी सी टेल होती है और जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वैसे ट्रायंगल टाइप होता है, मतलब इनके फिन थोड़े ट्रायंगल टाइप होते हैं और एक लंबी सी इनकी पूंछ होती है यहाँ पे बहुत सारे, और अंदर ना एक जबरदस्त कछुआ भी है जो अभी दिख नहीं रहा। तू से भी पकड़ा? ओह नाइस, देखो हेलो बोल के गई। तो ये पता नहीं कहाँ चला। खाना खा रहा है वो? खाना भी नहीं चल रहा है वो, नीचे जाके देख कुछ कुछ ढूंढ रहा है, खा रहा है वो। वो 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 वाओ यार, ये कितने मजे कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में देखे थे याद है? हाँ, ये हमने कैलिफोर्निया में देखे थे। वो कौन सा पियर? पियर 42 में। तो वैसे ये सी लायंस हैं और ये एक्चुअली सी मस्ती कर रहे हैं। ये देखो पियर तो स्टड की तरफ बाहर भी आ रहे हैं। मैं तो लाइफ तो ऐसी क्यों? मतलब इन लोगों को कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? मस्ती, एक कान खुजा रहा है। अब हम फीडिंग करा रहे हैं और हमारे हाथ में फिश है। आइसक्रीम कैसे पकड़ते हैं? तो ये मछली है मेरे हाथ में, आई एम स्कैर्ड, बिल्कुल ठंडी हो रही है। और अब हम इन्हें स्टिंग्रे को खिलाने वाले हैं। आइसक्रीम 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 बोल के इनसाइड द वाटर, और जब मछली आएगी और खाएगी तो छोड़ देना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स डू दिस। नीचे 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 रख। ये शार्क्स हैं जो आपको पीछे दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियम है और हर एक एक्वेरियम में नई नई चीजें। ये पीछे शार्क है, डरावनी सा लगता है, घूम करके काट लेगी, बट शार्क फ्रेंडली होती है, काटती नहीं है, खासकर ह्यूमंस को, है ना? ह्यूमंस को नहीं खाती, ह्यूमंस को नहीं खाती शार्क। और नीचे भी दो आलसी पड़ी है यहाँ पे, वो हिल नहीं रही अपने जगह से। सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी आती है। कैलिफोर्निया वाले उसमें देखे थे। मैंने एक्चुअली में कैलिफोर्निया वाले देखे हैं। ये बड़े मस्तीखोर टाइप के होते हैं। कब से पानी पी रहा हूँ। They're intelligent creatures, यार। मतलब इनको ना यहाँ पे ऐसा मूछें होती है लाइन की तरह, तो वो सी लाइन होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये मस्त तरीके से पानी पी रहा है। बहुत ठंड लग रही है और हमारे साथ 70 साल के पुर्जु हैं जो है यहाँ पे, ये कब से स्टाइल मार रहे हैं पता नहीं किसकी। और यहाँ पे जो पीछे है तो सील्स हैं और इट इज कोल्ड, लाइक इट इज प्रिटी प्रिटी कोल्ड, और काफी बाजा बजा है, मतलब बहुत ठंड है। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सील्स हैं। हाँ। और अगर आपको ये ज्यादा एंजॉय करना है तो आप पानी में कूद सकते हैं, कुछ नहीं होगा, इन्फेक्शन हाँ। वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वगैरह ले आएगी, लेकिन तुम्हें पता भूफा बदमाश है अपना। हाँ, तो शैंकी जा रहा है अंदर पानी में। शैंकी पानी में कूद के दिखाएगा अभी। ये नकली पेंगुइन है बट अंदर असली पेंगुइन है। तो हम पेंगुइन्स देखने जा रहे हैं और मैंने पहले देखे हुए हैं अंदर, ग्रीन आइस, बहुत ठंड चाहिए होती है। आई थिंक
आज तो काफी ज्यादा आज परफेक्ट वेदर है, आज परफेक्ट वेदर है पेंगुइन्स के लिए क्योंकि मस्त ठंड लग रही है। दिखा कुछ बाकी ये पेंगुइन्स काफी डिसअपॉइंटिंग लगे हैं। हाँ। ये अफ्रीकन पेंगुइन्स थे तो ये अफ्रीकन हो चाहे चाइनीज हो पेंगुइन्स मतलब मतलब छोटे इतने तो छोटे थे। एक्वेरियम देखा है तब आप देसी एक्वेरियम पे आ सकते हैं। इतना भी नहीं करना है हमको चलो मतलब मैंने बहुत फ्रॉग्स देखे हैं सोचोगे ये कीचड़ को हमारा भाई भाई हम कुछ अच्छा देखने जाते हैं। वापस बेल के पास चलते हैं, वेल मस्त है ना भाई। I think we three are getting obsessed with the whale and the whale is also very interactive. मतलब वो तो खूब भाव देती है, वो 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 करती रहती है, तो उसके साथ मजे आते हैं। And also वो साउंड भी तो फेंकती है। तो अगर तुम ऐसे जगह पे खड़े हो ना तो कभी कभी पानी उछाल के तुम पे फेंक देती है। हाँ, और ऐसे मुंह भी अपना खोलती है मस्त सा। I think we are ऋतु का भी पानी गिराया हुआ है उसमें। हाँ, मेरा कोट भी गीला हो गया था। अब हमने आई थिंक अपना कंप्लीट कर लिया अराउंड एंड नाउ वी आर बैक आई गेस। दोबारा चलें वेल के पास? चलते हैं यार एक बार। ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा घर बना के रखना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। I'm gonna make more of these videos. See you, bye.